स्टॉक सिखाएंगे। तो चलिए बनाते हैं चटकारा चिकन की ये रेसिपी। तो सबसे पहले हमने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे इस तरह से देखिए 1.5 से 2 इंच में मैंने टुकड़े कर लिए हैं, और ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है। उसमें हमने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे क्रश किया हुआ धनिया, क्रश किया हुआ ज़ीरा है ये, तो यहाँ पर ये मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। नमक हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, और ये मैंने ऐड कर दी है 1/4 टीस्पून अजवाइन। ये सभी चीज़ें आप ज़रूर ऐड करें। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है चाट मसाला, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस, और ये सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये जो चिली फ्लेक्स हमने इसमें ऐड किया है और बाकी सभी चीज़ें ऐड किए हैं, उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर इस चिकन में आता है। तो यहाँ पर ये रेड फूड कलर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लोर, इससे हमारे जो ये चिकन चटकारा है वो बहुत ही क्रिस्पी सा बनकर तैयार होगा। तो चलिए ये सारे चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमने ये सारी चीज़ें मिला लेनी है यहाँ पर, और इस तरह से देखिए कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसे रख देंगे 1/2 से 1 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए, और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 घंटे तक मैरिनेट कर लिया, उसके बाद मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया है, और इसे मिलाने के बाद हम फ्राई करने वाले हैं चिकन को। तो चलिए हम इसे पहले मिला लेते हैं, और तेल भी हम गर्म करने रख देंगे। तो ये हरा धनिया भी मैंने इसमें मिला लिया है। तो चलिए अब हम इसे कर लेते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने रख दिया है, और जब तेल गरम हो जाएगा तब मीडियम फ्लेम पर हम चिकन को फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर चिकन फ्राई करने से चिकन जो है वो एकदम अंदर तक गलेगा, और बहुत अच्छा सा उसमें और टेस्ट भी आएगा, और अच्छे से गलेगा भी, बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा। जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाएंगे, देखिए इस तरह से लेयर आ जाएगी अच्छी सी, तब हम इसे पलट लेंगे, और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से इसे फ्राई करेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आया है, साथ ही साथ बहुत टेस्टी जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छे आते हैं इसमें, जो हमने सारे मसाले ऐड किए हैं, और बिल्कुल चटकारा चिकन ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और बहुत ही डिलीशियस ये चिकन की स्नैक की रेसिपी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है, तो आप भी इस तरीके से ये बनाइएगा। तो ये देखिए दोनों तरफ से मैंने अच्छे से चिकन को लगभग 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई किया, और फिर हम इसे निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर या एब्जॉर्बन पेपर पर। ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हुए हैं, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट है चिकन खाने में, और बहुत ही डिलीशियस सी इसकी रेसिपी जो चिकन की है वो बनकर तैयार होती है। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से स्नैक खाने के लिए आप घर पर बना सकते हैं, जो सभी को पसंद भी आएंगे और हेल्दी भी रहेंगे, टेस्टी भी रहेंगे, और आप खुद सोचेंगे कि ये इतना चिकन अच्छा हमारा कैसे बना। तो आप भी बनाएं ये चटकारा चिकन की रेसिपी। ये देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से देखिए चिकन कितने अच्छे से भी हम बनाते हैं। तो सबसे यहाँ पर पहले मैंने चिकन को अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया है, और ये 1.5 kg मैंने चिकन ले लिया है। इसमें मैं सारा मैंने मिक्स लिया है, बोनलेस और विद बोन दोनों मैंने मिक्स लिया है। तो अब हम इसे मैरिनेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, 2 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है मैंने इसमें। साथ में हम इसमें 1 टीस्पून भरकर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून ही भरकर मैंने इसमें ऐड किया काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जितना ही मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है, थोड़ा सा और कर रही हूँ। और ये हम ऐड कर देंगे इसमें विनेगर 1 टीस्पून, और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे ब्लैक सोया सॉस, और साथ में मैंने ये ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर। फूड कलर इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ में हमें इसमें ऐड कर देना है 4 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर, इससे हमारी जो कोटिंग है चिकन के ऊपर वो बहुत अच्छी आएगी। सारे जो हमने सॉसेस डाले हैं उसका टेस्ट ये चिकन में बहुत अच्छा आता है, इसी तरीके से आपको भर भर कर डालना है ताकि हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छा टेस्टी बनकर तैयार हो। और सारे मसाले देखिए चिकन में अच्छी तरीके से लग चुके हैं, और अब हम इसे रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो हमें कम से कम इसे रख देना है 1 से 2 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए। तो चलिए अब चिकन को हम मैरिनेट होने देते हैं।
मैरिनेट होने के बाद ये देखिए मसाला कितने अच्छे से चिकन के ऊपर लग चुका है। ये मैंने 2 घंटे तक चिकन को मैरिनेट किया है। तो चलिए अब हम इसे कर लेते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने रख दिया। जब तेल गरम हो जाएगा तब मीडियम फ्लेम पर हम चिकन को फ्राई करेंगे। इससे हमारा चिकन जो है वो अंदर तक फ्राई होगा, साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी भी लगेगा, क्योंकि अगर कच्चा रहेगा तो वो खाने में मज़ा का नहीं लगेगा। अंदर तक एकदम टेस्टी गला हुआ चिकन रहेगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा। तो एक तरफ से जब इस तरह से देखिए कोटिंग अच्छी आ जाएगी तब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। तो ये एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं और दूसरी तरफ पलट कर भी मैंने फ्राई कर लिया। तो ये मैंने टोटल 10 मिनट तक फ्राई किया ताकि अच्छे से हमारा चिकन अंदर तक गले और मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये एकदम परफेक्ट हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और मज़ेदार सा आप भी इस तरीके से मेहमानों के लिए ये चिकन फ्राई की रेसिपी ज़रूर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।